हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल नो कॉलेज चेक पर। और आज हम बात करेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों के बारे में, जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर, आज का पहला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशियंट सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिजीज सिंड्रोम। तो इसका सही उत्तर होगा एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो चलिए दोस्तों आज के दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए लुईस पास्चर, बी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी एडवर्ड जेनर और डी वाटसन एंड क्रिक। इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर। चलिए आज के तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46%, 56%, 76%, 90%। तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46%। आज के नंबर चार क्वेश्चन पर चलते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर होगा मीथेन। चलिए आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश पाया जाता है, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, लेड। तो इसका सही उत्तर होगा निकेल। चलिए आज के छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरेनस के चारों ओर एक परिक्रमा, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्षों में कर लेता है? तो इसका सही उत्तर है 18 वर्ष, 28 वर्ष, 84 वर्ष, 48 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 84 वर्ष। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की ओर। मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? ध्वनि, वायु, जहाज, हवाई जहाज। तो मैक शब्द का प्रयोग हवाई जहाज की गति को मापने के लिए किया जाता है। चलिए चलते हैं आज के आठवें क्वेश्चन पर। केपलर का नियम किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ग्रहों की गति से, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ग्रहों की गति से। चलिए चलते हैं नौवें क्वेश्चन पर। मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? बेलाडोन का पौधा, सिनकोना का पौधा, ओक का पौधा, अमलतास का पौधा। इसका सही उत्तर होगा सिनकोना का पौधा। आज का दसवां क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है? पिनियल, पिट्यूटरी, थायरॉइड, हाइपोथैलेमस। तो इसका सही उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। नंबर 11 क्वेश्चन है, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो गाय के दूध में विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी। चलिए चलते हैं आज के 12वें क्वेश्चन पर। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है एड्स, रक्त कैंसर, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। इसका सही उत्तर होगा बर्ड फ्लू। नंबर 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। अमनियोसिंथेसिस एक तकनीक है जो संबंधित है अमोनिया के प्रयोग से, भ्रूणों के लिंग के परीक्षण से, बच्चों के शिक्षण से, घरेलू कार्यों के सरलीकरण से। इसका सही उत्तर होगा भ्रूण के लिंग के परीक्षण से। नंबर 14 क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है ल्यूमेन बटा वाट, ल्यूमेन बटा स्टेरेडियन, लक्स, वाट। इसका सही उत्तर होगा ल्यूमेन बटा स्टेरेडियन। चलिए चलते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। पंद्रह क्वेश्चन है, किसने खोज की थी कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित होता है? रोनाल्ड रास,
लेवरान लेसेंसी ग्रासी, इसका सही उत्तर होगा रोनाल्ड रॉस। चलिए चलते हैं आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। वर्दी हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? थायरोक्सिन, पिट्यूटरी, सिक्रेटिन, एड्रिनल। तो इसका सही उत्तर होगा पिट्यूटरी। नंबर 17 क्वेश्चन है आज का, किस तत्व को आवारा तत्व कहते हैं? ये तो आप सभी प्राय जानते ही होंगे, आवर्त सारणी का एक तत्व है जो एक नंबर पर है, हाइड्रोजन, जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, इसलिए इसको आवारा तत्व कहते हैं। आज का 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट की जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4, HCl, HNO3, H3PO3। इसका सही उत्तर होगा HCl। नंबर 19 क्वेश्चन है, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? गैस्ट्रिन, एड्रेनलिन, पिट्यूटरी, एस्ट्रोजन। इसका सही उत्तर होगा एड्रेनलिन। नंबर 20 क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, लड़का ही पैदा होगा जब यदि एक्स एक्स वाई वाई गुण सूत्र हो, वाई वाई गुण सूत्र हो, एक्स एक्स गुण सूत्र हो, एक्स वाई गुण सूत्र हो। तो इसका सही उत्तर होगा एक्स वाई गुण सूत्र। अगर एक्स एक्स हो तो इस कंडीशन में लड़की होगी और वाई वाई का तो कोई मतलब ही। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।